सब्सक्राइब कीजिए केमिस्ट्री सर जी चैनल को और पास वाले बेल आइकन को दबा दीजिए केमिस्ट्री के हर एक वीडियो देखने के लिए। मैंने यहाँ पे लिख दिया है PHBV। स्टूडेंट्स, PHBV का फुल नेम होता है पॉली बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटेरेट को बीटा हाइड्रोक्सी वैलरेट। तो पहले तो बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स क्या होते हैं कि द पॉलीमर विच इज इजिली डिग्रेड बाय सम रिएक्शंस, जैसे कि ऑक्सीडेशन रिएक्शंस, हाइड्रोलिसिस रिएक्शंस, डीकम्पोजिशन रिएक्शंस होना चाहिए, बैक्टीरिया के द्वारा इजिली डिग्रेड होते हैं, वो पॉलीमर को हम लोग कहते हैं बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स। तो पहला पॉलीमर्स यहाँ पे बनाते हैं हम लोग PHBV। तो PHBV के मोनोमर्स, दो मोनोमर्स होते हैं, डिफरेंट मोनोमर, इसीलिए ये जो पॉलीमर है उन्हें हम लोग को पॉलीमर भी कहते हैं। तो यहाँ पे लिख दो ये कौन सा है, को पॉलीमर। हमने आगे क्लासिफिकेशन में देखा है को पॉलीमर दैट इज डिफरेंट मोनोमर्स, दो डिफरेंट मोनोमर होने चाहिए। तो यहाँ पे दो मोनोमर में पहला होगा बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटेरिक एसिड और दूसरा होगा बीटा हाइड्रोक्सी वैलेरिक एसिड। तो बस PHBV के नेम में ही दो मोनोमर्स छुपे हैं। तो पहले हम लोग यहाँ पे लिखते हैं बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटेरिक एसिड। तो बच्चों, ब्यूटेरिक एसिड यानी 4 कार्बन वाला ऑर्गेनिक एसिड, तो पहले वो लिख रहे हैं C(OH)CH2। बीटा हाइड्रोक्सी कहा है तो ये फंक्शनल ग्रुप, ये अल्फा कार्बन, फिर ये होगा अपना बीटा कार्बन। तो बीटा कार्बन पे OH ग्रुप होना चाहिए, OH ग्रुप, इन्हें कहते हैं बीटा हाइड्रोक्सी 4 कार्बन, 1, 2, 3, 4 ब्यूटेरिक एसिड। तो यहाँ पे नेम लिखते हैं ब्यूटेरिक एसिड, ये हो गए अननंबरेबल मोनोमर्स, एन टाइम्स लेने हैं। प्लस सेकेंड मोनोमर होगा बीटा हाइड्रोक्सी वैलेरिक एसिड। तो बच्चों, वैलेरिक एसिड क्या होता है, तो वैलेरिक एसिड में 5 कार्बन हो गए, बाकी एज इट इज ही होगा बीटा हाइड्रोक्सी वैलेरिक एसिड। एक मिथाइल यहाँ पे अटैच करना है, यानी स्ट्रक्चर बनेगा C(OH)CH2CH3। ये होगा अल्फा कार्बन, ये होगा बीटा कार्बन और यहाँ पे लगा दो OH, बीटा हाइड्रोक्सी 5 कार्बन। तो इन्हें कहते हैं हम लोग वैलेरिक एसिड, बीटा हाइड्रोक्सी वैलेरिक एसिड। इनके भी आपको लेने हैं एन मॉलिक्यूल्स, पॉलीमर बनाना है, अननंबरेबल मोनोमर्स होने चाहिए। तो ये अननंबरेबल मोनोमर्स के बीच कौन सा रिएक्शंस होगा, तो यहां पे होगा को पॉलीमराइजेशन। तो यहां पे लिखते हैं को पॉलीमराइजेशन रिएक्शन। और को पॉलीमराइजेशन रिएक्शंस होके यहां पे बाय प्रोडक्ट क्या होगा, OH, यहां से भी H निकल जाएगा और OH। तो अपना जो पॉलीमर है वो होगा बॉन्ड ऑक्सीजन, बाकी एज इट इज CH CH3 CH2। यहां पे OH माइनस वाटर के फॉर्म में निकल रहा है, यानी माइनस N मोल्स वाटर। तो बाकी क्या बचा यहां पे, CO, फिर ये ऑक्सीजन, फिर बॉन्ड ये एज इट इज, फिर यहां पे होगा CH2, यहां पे बाकी क्या बचा, CO, एन टाइम। तो बच्चों, इन्हें ही हम लोग कहते हैं PHBV पॉलीमर। PHBV पॉलीमर के कुछ प्रॉपर्टीज भी यहां पे स्टडी कर ले हैं। तो PHBV पॉलीमर के स्ट्रक्चर में ये फंक्शनल ग्रुप रिपीट हो रहा है सेवरल टाइम्स, C(OO), ये R पूरा C(OO)R यानी होता है एस्टर। तो PHBV पॉलीएस्टर पॉलीमर है, ये कौन सा है, पॉलीएस्टर।
सेकंड, तो पीएचबीवी मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया ये कौन सा पॉलीमर है, बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर। और बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर एनवायरमेंटल एक्टिव पॉलीमर होते हैं, एनवायरमेंटल रिएक्शंस के प्रेजेंस में वो डिग्रेड हो जाते हैं। तो यहां पे लिख सकते हैं कि एनवायरमेंटल एक्टिव पॉलीमर पीएचबीवी, बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर, ये इनकी कुछ प्रॉपर्टीज हुई। तो बच्चों यहां पे इनके यूज कहां पे होता है, तो मेडिकल लाइन में इनके मैक्सिमम यूज होते हैं। तो फर्स्ट जो कैप्सूल कोटिंग होता है, कैप्सूल का जो कोटिंग वो बनता है पीएचबीवी में से, ऑर्थोपेडिक डिवाइस वो भी बनता है पीएचबीवी में, और जो हॉस्पिटल में जो पैकिंग होते हैं जो इजीली डिग्रेड हो जाए वो सारे बनते हैं पीएचबीवी में से। तो ये हो गया स्टूडेंट पॉलीहाइड्रोक्सीब्यूटेरिक को बीटा हाइड्रोक्सी वैलेरिक। अभी दूसरा आपको पॉलीमर जो पढ़ना है बायोडिग्रेडेबल, उनका नेम क्या है, तो उनका नेम आपके पास है नाइलॉन 2 नाइलॉन 6, तो उनको भी पढ़ लेते हैं। दो ही पॉलीमर है आपके पास, तो सेकंड पॉलीमर विच इज नाइलॉन 2 नाइलॉन 6, तो यहां पे लिख देते हैं पहले नेम नाइलॉन 2 नाइलॉन 6। तो स्टूडेंट इनका नेम क्यों नाइलॉन 2 नाइलॉन 6 है, तो 2 का मीनिंग होता है 2 कार्बन कंटेनिंग मोनोमर, और यहां पे 6 का मीनिंग होता है 6 कार्बन कंटेन मोनोमर, ये इनका मीनिंग है। तो यहां पे भी फिर से हो गए दो डिफरेंट डिफरेंट मोनोमर, एक मोनोमर में कार्बन हो गए 2 और दूसरे मोनोमर में कार्बन हो गए 6। तो कौन से दो मोनोमर यूज करने हैं, तो पहला यूज करना है आपको यहां पे ग्लाइसिन, ग्लाइसिन यहां पे लिख रहे हैं CH2 COOH और NH2, एमिनो एसिड है एक ग्लाइसिन, इन्हें हम लोग एमिनो एसिड कहते हैं। क्यों, क्योंकि एमिनो फंक्शनल ग्रुप है और कार्बोक्सिलिक एसिड भी है, इसके लिए इसका नेम होता है एमिनो एसिड। तो दो कार्बन कंटेनिंग मोनोमर विच इज ग्लाइसिन, और सेकेंड मोनोमर हम लोग यहां पे यूज करने वाले है 6 कार्बन वाला, और जो अपना ऑल्सो एक एमिनो एसिड है जिन्हें हम लोग कहते हैं एमिनो कैप्रोइक एसिड। तो एमिनो कैप्रोइक एसिड का फॉर्मूला NH2 CH2 5' और COOH, देखो CH2 5' यानी 5 कार्बन और एक ये वाला एसिड वाला कार्बन 6 कार्बन हो गए, इनको भी लेना है एन टाइम। यहां पे भी जो पॉलीमराइजेशन होगा दो डिफरेंट डिफरेंट मोनोमर से, तो यहां पे भी लिख सकते हैं को पॉलीमराइजेशन रिएक्शन, और को पॉलीमराइजेशन रिएक्शन होके यहां पे वाटर मॉलिक्यूल्स OH और यहां से H, यहां से H और यहां से OH, माइनस होगा वाटर, बाकी जो बचा वो अपना होगा नाइलॉन 2 नाइलॉन 6। तो लिखते हैं फॉर्मूला NH, यहां पे H निकल के वाटर बना रहा है, एक H बाकी है यानी NH एज इट इज CO, फिर यहां बाकी होगा NH, फिर एज इट इज फिर CO एन टाइम। ये होता है स्टूडेंट नाइलॉन 2 नाइलॉन 6, नाइलॉन 2 नाइलॉन 6 यहां पे कंप्लीट हुई उनकी प्रिपरेशन। इनकी कुछ प्रॉपर्टीज, तो देखो इनके स्ट्रक्चर में एमाइड फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, तो ये जो पॉलीमर है वो है अपना पॉलीएमाइड क्लास का, तो पॉलीएमाइड क्लास का पॉलीमर है, बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर है,
एनवायरमेंटल एक्टिव पॉलीमर है, को पॉलीमर है, तो ये सारी इनकी हो गई प्रॉपर्टीज। तो बच्चों ये थे बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स, और बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स में और भी एग्जांपल आते हैं, तो कुछ मैं आपको बता रहा हूं। एक होता है डेक्सट्रान। डेक्सट्रान कहाँ पे यूज होते हैं, तो जो ऑपरेशन के बाद स्टिच होते हैं अपनी बॉडी के पार्ट्स, वहां पे डेक्सट्रान यूज होते हैं, यानी स्टिच करने में वो यूज होता है पॉलीमर। दूसरे ऐसे ही पॉलीमर अपने पास है PLA पॉलीलैक्टिक एसिड, और दूसरा है PGA पॉलीग्लाइकोनिक एसिड। तो ये सारे जो होते हैं वो अपने होते हैं बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर। तो बच्चों ये था बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।